कंपनी फाइनल अकाउंट्स में लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया कि कंपनी का एक इंट्रोडक्शन मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन मैंने दिया साथ में मैंने बैलेंस uh, शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट्स जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया और uh, उसकी जो नोट्स है वो नोट्स भी मैंने डिस्कस की अब आज का ये जो प्रेजेंटेशन है ये एडजस्टमेंट्स में डील करेगा सो so, एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट जो एडजस्टमेंट हम आज देखने वाले हैं वो है क्लोजिंग स्टॉक ये नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है जो अभी तक आपने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स में देखी है बट अब यहाँ पर नोट्स uh, में हमको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट है मैं तो उसको कहाँ कहाँ और कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में वैरायटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स है जैसे रॉ मटेरियल है इन प्रोग्रेस है फिनिश गुड्स है इस तरह के क्लोजिंग स्टॉक्स अगर है स्टॉक इन ट्रेड अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो उसको किस तरह से डील करना ये मेनली फर्स्ट एडजस्टमेंट में हम देखेंगे तो अगर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और अगर इस तरह से उसका अकाउंटिंग हमको करना है तीनों अगर स्टॉक्स हमारे पास अवेलेबल है तो बैलेंस शीट एसेट साइड करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज़ में ये तीनों स्टॉक्स दिखेंगे ये इसका डेबिट इफेक्ट हो जाएगा तो एसेट साइड करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज ये डेबिट इफेक्ट हो गया तीनों स्टॉक्स वहां पर दिखेंगे और अगर सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड है दैट इज अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक सिंगल स्टॉक दिया जो ट्रेडर है और अगर उसका है तो फिर वो भी वहीं पर दिखेगा सिंगल कंटेन सेकेंड इफेक्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो वर्किंग नोट हम बनाएंगे जो नोट हम प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग प्लस परचेसेस प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग में ये क्लोजिंग स्टॉक वहाँ से लेस होगा आइदर अगर सिर्फ और दूसरे जो भी स्टॉक्स है दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स है तो वो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में डील होंगे ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस होकर ये दिखेगा तो लेस तो डेफिनेटली ये होगा बट अगर तीनों हैं रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स अगर तीनों हैं तो रॉ मटेरियल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में और अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज़ स्टॉक इन ट्रेड का सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है तो वो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में ओपनिंग से लेस होकर दिखेगा ये यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में दिखेगा तो इस तरह से ये क्लोजिंग स्टॉक दो जगह मेनली ट्रीट होगा एक तो इन्वेंट्रीज़ में और हाइदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और चेंजेस इन इन्वेंट्रीज इन वर्किंग नोट में ये दोनों डील होंगे नेक्स्ट जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं इसमें मेनली एक्सपेंस एक इफेक्ट हमको देना है तो ये ऑलरेडी अगर एक्सपेंस है जैसे सैलरी है तो वो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस हम जो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की वर्किंग नोट बनाएंगे नोट बनाएंगे उसमें ये ऐड होकर दिखेगा उस एक्सपेंस के साथ सैलरी में ऐड या वेजेस में ऐड इस तरह से और अदर एक्सपेंसेस जैसे प्रिंटिंग इंड स्टेशनरी है और टेलीफोन बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल है अगर उसमें आउटस्टैंडिंग की बात वो देता है तो इट विल बी एडेड इन अदर एक्सपेंसेस तो जो अदर एक्सपेंसेस की वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे वहां पर ये ऐड किया जाएगा तो ये एक्सपेंस डेबिट ऐड करेंगे ये डेबिट इफेक्ट हो जाएगा सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड इक्विटी एंड लाइबीज़ करंट लाइबीज अदर करंट लाइब्रेरीज में दिखेगा तो सेकेंड इफेक्ट जो लाइब्रेरी साइड में देना है वो मेनली अदर करंट लाइब्रेरी ये वाली वर्किंग नोट में रिकॉर्ड होगा नेक्स्ट जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं सो प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट एसेट साइड करंट एसेट्स और अदर एसेट्स अदर करंट एसेट्स ये जो वर्किंग नोट है इसमें ये प्रीपेड एक्सपेंस दिखेगा एक इफेक्ट तो इसका अदर करंट एसेट में दिखेगा ये डेबिट इफेक्ट हो गया एसेट वाला सेकेंड इफेक्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस से लेस होकर दिखेगा आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं एक्सपेंस में प्रीपेड हम लेस करते हैं तो आइर वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से लेस होकर दिखेगा अगर प्रीपेड है सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह या अदर अदर एक्सपेंसेस है जैसे इंश्योरेंस प्रीपेड है तो इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस से लेस होकर दिखेगा तो ये दो इफेक्ट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस के इस तरह से रिकॉर्ड होंगे नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन एंड अमोरटाइजेशन ये जो वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करते हैं डप्रिसिएशन एंड अमोरटाइजेशन तो ये डेप्रिसिएशन एंड अमोरटाइजेशन वाली वर्किंग नोट में एक इफेक्ट उसका दिखेगा ये डेबिट इफेक्ट उसका हो गया सेकेंड इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट एसेट साइड नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट टेंजिबल और इनटेंजिबल ये जो दो हम नोट प्रिपेयर करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल की तो टेंजिबल से या इनटेंजिबल से ये लेस होकर दिखेगा तो मेनली ये जो बैलेंस शीट एसेट साइड वाला इफेक्ट है ये एसेट से लेस होकर दिखेगा यहाँ पर टेंजिबल और इनटेंजिबल वाली वर्किंग नोट में टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट वाली वर्किंग नोट में ये लेस होकर दिखेगा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इससे पहले भी मैंने बताया कि विल बी ऑन फिक्स टेंजिबल पर बट अमोरटाइजेशन विल बी ऑन इनटेंजिबल एसेट्स जनरली हम जो राइट ऑफ करते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ वाली बात है रिटर्न ऑफ वाली बात है तो वो अमोरटाइजेशन कहलाता है नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एक्रीड ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसिएबल है ये बेसिकली इसका एक इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट एसेट साइड करंट एसेट अदर एसेट्स में दिखेगा तो अदर एसेट्स ये मेन वर्किंग नोट है यहाँ पर ये डेबिट इफेक्ट इसका हो गया इसका जो क्रेडिट इफेक्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर इनकम ये जो अदर इनकम की वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करते हैं वहां पर उसका एक इफेक्ट दिखेगा तो ये एक इनकम वाला इफेक्ट दिया और एक एसेट वाला इफेक्ट इस तरह से इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया नेक्स्ट जो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट कर कर जो वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट में ये दिखेगा ये एक्सपेंस वाला इफेक्ट डेबिट वाला इफेक्ट हो गया नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिटीज अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिटीज करंट लाइबिलिटीज सॉरी बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी करंट लाइब्रटीज़ एंड अदर करंट लाइब्रेटीज़ में ये दिखेगा नॉन करंट में नहीं करंट लायबिटीज़ एंड अदर करंट लाइब्रेटीज़ में ये दिखेगा तो अदर करंट लाइब्रेटी ये मेन वर्किंग नोट है जहां पर इसको हम प्रेजेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिबेंचर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर के डिबेंचर uh, में होता ही है तो वो रेट पर एन होता है अब जितने भी पीरियड का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे उस डिबेंचर पर नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ वाली बात सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है दीज आर मिसलेनियस एक्सपेंसेस और अगर ये राइट ऑफ देता है तो एक इफेक्ट तो इसका अदर एक्सपेंसेस में जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस ये अदर एक्सपेंसेस वाली वर्किंग नोट में ये दिखेगा एक इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट एसेट साइड करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स में ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस बैलेंस शीट एसेट साइड नॉन करंट एसेट अदर नॉन करंट एसेट्स वाले ये जो वर्किंग नोट है इससे लेस होकर वो दिखेगा तो ये सेकंड इफेक्ट जो डेबिट से लेस किया ये क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगा और ये जो फर्स्ट इफेक्ट है अदर एक्सपेंसेस वाला ये डेबिट इफेक्ट मिसलिनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ का होगा नेक्स्ट जो है वो है बेड डेट्स एंड आर डी डी बेड डेट एंड आर डी डी ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में होगा अगर ऑलरेडी पुराना बेड डेट ट्रायल बैलेंस में है तो उसी में ये एड हो जाएगा आर जो है अगर पुराना वाला है तो लेस अदरवाइज ये नया वाला जो प्रोविजन वाला आर है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट वो एड ही होगा तो एक इफेक्ट तो उसका अदर एक्सपेंसेस में होगा सेकेंड इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट एसेट साइड करंट एसेट लेट फ्रॉम लेस होगा वो ट्रेड रिसबल से डेटर्स से लेस होगा तो इस तरह से ये बेड डेट एंड आर डी डी वाला ये जो इफेक्ट है ये यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इसमें नेक्स्ट जो है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल ये कुछ अब कंपनी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है जिसमें कंपनी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स में एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नई एडजस्टमेंट थी कंपनी रिलेटेड एडजस्टमेंट में ये कुछ नई एडजस्टमेंट्स है जो हमको ध्यान से अब देखनी है प्रपोज्ड डिविडेंड इससे पहले सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म में होता ये था कि जो भी प्रॉफिट कंपनी बिजनेस अर्न करता था सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप वो पूरा पूरा अमाउंट जो है वो शेयर अपने कैपिटल को या ओनर को मिल जाता था सोल ट्रेडर में वो ओनर को देते थे एक को देते थे पार्टनरशिप फर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे रेशो में बट यहाँ पर कंपनीज अकाउंट में जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसको दो तरह से वो अप्रोप्रिएट करती है अप्रोप्रिएट करना मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना और वो डिस्ट्रीब्यूशन के जो दो वेज हैं एक तो या तो वो बाय वे ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड इज नथिंग बट पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर ये मेनली डिविडेंड है तो या तो डिविडेंड के वे से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या तो फिर वो प्रॉफिट्स को साइड करती है रिजर्व वगैरह करती है तो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल अगर है तो ये हमेशा पेड अप कैपिटल पर कैलकुलेट होगा जो भी रेट ऑफ डिविडेंड वो देगा से फाइव परसेंट टेन परसेंट इट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल और एडवांस शेयर कैपिटल पर कभी ये नहीं दिया जाएगा सिर्फ अप पर दिया जाएगा कॉल्डअप लेस कॉल्सिन एरियर अप कैपिटल पर ये डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड डिविडेंड विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल एक चीज़ ये आपको याद रखनी है और इसके जो दोनों इफेक्ट्स हैं वो दोनों इफेक्ट्स बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस में तो ये रिजर्व एंड सरप्लस जो वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस से लेस होकर ये दिखेगा एक इफेक्ट और वहीं पर ये जो है इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी करंट लाइबिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखेगा तो ये दोनों इफेक्ट्स जो है ये बैलेंस शीट वाले ही हैं तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी करंट लाइबिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कर ये वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में एक इफेक्ट दिखेगा ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस से हम लेस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में वो डेबिट इफेक्ट हो गया इस तरह से ये दो इफेक्ट्स वहीं पर दिखेंगे नेक्स्ट जो है वो इंटरिम डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल है इंटरिम डिविडेंड मिड पीरियड अगर कंपनी को लगता है छः महीने बाद कि भाई कंपनी सफिशियन प्रॉफिट अर्न कर रही है एनुअल डिविडेंड वो दे पाएगी तो वो मिड पीरियड डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये जो मिड पीरियड डिविडेंड है ये कंपनी डिक्लेयर करती है बट जो एनुअल डिविडेंड होता है वो प्रपोज करती है और फिर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर करने का काम करते हैं तो ये जो नाइन्थ एडजस्टमेंट थी ये प्रपोज्ड डिविडेंड की थी और ये इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ये पेड डिविडेंड है इसका कुछ पार्ट उन्होंने पे किया हुआ है कुछ पेबल है तो डिविडेंड ऑलवेज वो इंटरिम हो या फाइनल हो वॉटर भी डिविडन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल ये हमेशा पेड अप कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाएगा और इसके जो दो इफेक्ट्स हमको देने पड़ेंगे एक तो बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस ये जो वर्किंग नोट है वहाँ पर सेम वही इफेक्ट है जो पहले था प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस से लेस होकर दिखेगा सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटीज़ में इसका सेकेंड इफेक्ट दिखेगा ये पेबल अमाउंट है एक्चुअली दैट्स वाई ये अदर करंट लाइबिलिटीज़ में अपियर होगा ये एक तरह की कंपनी की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स शेयर होल्डर तो ये पेबल है दैट विल बी अनकलेम डिविडेंड भी आप इसको कह सकते हो तो ये जो डिविडेंड है ये पेबल डिविडेंड है जो कंपनी को पे करना है शेयर होल्डर्स को कन्फर्म बट वो जो प्रपोज डिविडेंड है वो एनुअल जनरल मीटिंग में जब कन्फर्म होगा तब वो पेबल बनेगा वो अभी पेबल नहीं है वो प्रपोज्ड है दैट्स वाई वो प्रोविजन्स में जाता है तो प्रोविजन्स में बेसिकली और मे बी पॉसिबल वो रेट का भी डिफरेंस हो सकता है कभी वो कह सकते हैं ज़्यादा रेट से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं या कम भी वॉट भी दैट्स वाई वो प्रोविजन में उसको रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो एडिशनल रिजर्व है जैसे जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर है या इक्वलाइजेशन रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर है और किसी स्पेसिफिक रिजर्व में डेवलपमेंट रिजर्व में ट्रांसफर है तो ये रिजर्व में ट्रांसफर इससे पहले तक हमने ये नहीं किया हुआ है तो रिजर्व प्रॉफिट कैप्टेसाइड है इसमें ट्रांसफर के लिए भी सेम इफेक्ट है बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है अब ये जो दोनों इफेक्ट्स है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखेंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस से लेस होकर दिखेगा और दूसरा उस रिजर्व अकाउंट में क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में ही वो रिजर्व अकाउंट आएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में वहीं पर एड होगा तो ये दोनों इफेक्ट रिजर्व्ज एंड सरप्लस के ही है रिजर्व एंड सरप्लस में ही से लेस होगा और रिजर्व एंड सरप्लस से ही ऐड होगा इस तरह से ये एडिशनल रिजर्व के दो इफेक्ट्स यहाँ पर देंगे लास्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स एक्सपेंस ये मेन जो स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का वहीं पर डायरेक्ट कंटेन दिया हुआ है टैक्स एक्सपेंस वहाँ पर ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट अगर परसेंटेज में देता है तो प्रॉफिट बेस वो कैलकुलेट करेंगे अगर अमाउंट दे देता है तो वहाँ पर उसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स एक्सपेंसेस में यहाँ पर दिखेगा और जो दूसरा है दैट विल बी बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइब्रेटी करंट लाइब्रेडिज शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये इसका सेकंड इफेक्ट दिखेगा तो ये भी एक तरह का प्रोविजन है क्योंकि टैक्स अमाउंट जो है वो कन्फर्म नहीं है लाइब्रेडी कन्फर्म है बट अमाउंट कन्फर्म नहीं है आगे चलकर कम ज़्यादा वो अमाउंट हो सकता है दैट्स वाई इसको प्रोविजन्स में रखा जाता है तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट अराउंड बारह एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ पर कवर की है ये जो एडजस्टमेंट्स है ये बेसिक एडजस्टमेंट्स है जिसमें हम डील करेंगे अभी आगे पीछे ये एडजस्टमेंट्स हो सकती है कम ज़्यादा ये एडजस्टमेंट्स हो सकती है एक बेसिक आइडिया जो है बस ये याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क है हमको वर्किंग नोट में करना है नोट्स में हमको उसके इफेक्ट देने और फाइनल फिगर्स जो है हम बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करेंगे तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट्स यहाँ पर मैंने कम्प्लीट की है आई होप ये जो एडजस्टमेंट्स मैंने बताई है ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुई होगी और अगले लेक्चर्स में अब मैं फिर प्रॉब्लम्स डील करूंगा सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग